गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियल लाइफ कविता। मेरा चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है शिवरात्रि और मैं कर रही हूँ धुलाई घर की। और मैंने सोचा पहले अपने फ्लावर्स को जो मैं डेकोरेट करती हूँ जिनसे अपना घर, उनको वॉश कर लेती हूँ। तो ये मैंने सर्फ के पानी में डीप कर दिए हैं और इनको हैंड टू हैंड मैं साफ पानी से वॉश कर लूँगी। घर का सारा काम हो गया है और मैं कर रही तैयारी। अब आज जैसे कि शिवरात्रि है तो मैं अभी साबुदाना भिगो के रख दूँगी और इसको 3 या 4 बजे करीब यूज़ करूँगी। तब तक ये फूल जाएगा, तो इसे अच्छे साफ़ पानी से वॉश करके मैं रख दूँगी। और साइड में मैंने कपड़े निकाल लिए अपने जो मैं पहनने वाली हूँ आज। तो मैं आज पहनूँगी साड़ी येल्लो कलर की। ये देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ व्रत के लिए। तो फ्रेंड्स, शिवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल। तो भोले बाबा की पूजा मंदिर में, घर में तो हो गई है। अभी हम लोग जाएंगे मंदिर और वहां जाके करेंगे जल अभिषेक और जो प्रसाद चढ़ाते हैं भोले बाबा को शिवलिंग पे, वो चढ़ाएंगे वो सब, और जो बेलपत्र वगैरह होता है वो सब। चलिए, मैं आ गई किचन में और मैं कर रही हूँ तैयार शिवरात्रि की जो मेन थाली होती है वो। भोले बाबा की थाली में जो जो चढ़ता है बेलपत्र वगैरह, बेर, तो बेर कंपलसरी होता है इसमें चढ़ाना क्योंकि भोले बाबा को बेर बहुत पसंद है। गाजर हुई, बेर हुए, बेलपत्र हुए और आपके ये पुष्प आदि। वैसे तो हमारे भोले बाबा इतने भोले होते हैं कि हम उन्हें जो भी अपने मन से चढ़ाते हैं वो उसी में खुश हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है हमें बहुत सारा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं होती। जो हमारे घर में है सिंपल तरीके से, मैं उसी तरीके से पूजा करती हूँ। वैसे मैं, मुझे इतना पता नहीं है पूजा वगैरह के बारे में, लेकिन जो करती हूँ दिल से करती हूँ और बड़ी ईमानदारी से करती हूँ। तो ये लीजिए, अब हम आ गए हैं अपने मंदिर में। तो यहाँ भोले बाबा के चारों तरफ इतनी भीड़ है कि भोले बाबा दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। और सच में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि क्या बताऊँ। वापस आ गए हम घर पूजा करके, तो अब हम कर रहे हैं थोड़ा सा इन्जॉय। मंदिर से हम लोग आ गए हैं पूजा करके और अब मैं चढ़ा रही हूँ अपने लिए चाय और इन दोनों के लिए बनाऊंगी खाना। बस जल्दी जल्दी इनके लिए खाना वाना बना दो और फिर मुझे जाना है कीर्तन में। तो कीर्तन जाके मैं आ गई हूँ और आके इनके लिए बना रही हूँ टिक्कियाँ। मैं अपने लिए भी बनाती लेकिन मैं नहीं खा रही इन टिक्कियों को, तो सुबह साबुदाना भिगोया था उसी की टिक्कियाँ हैं ये, आलू मूंगफली और साबुदाना से। हरमन और हरमन के डैडी को लगी थी बहुत जोरों की भूख, तो फिर मैंने कीर्तन से आके फटाफट से आलू जो मैंने उबाले थे उनसे और मूंगफलियाँ रोस्ट की थोड़ा सा, उनसे फिर मैंने साबुदाना टिक्कियाँ बनाई और इन दोनों को खिला दिया क्योंकि मेरा तो फास्ट था। ठीक है, चलो मुझे भी खाना था लेकिन मैं नहीं खा पाई क्योंकि फिर मैंने सोचा अब तो पूजा करने का ही टाइम हो गया है शाम को।
मैं जब कीर्तन से आई तो मेरे हस्बैंड ने देखे कितनी प्यारी गाजर घिस के रखी हैं कि भाई फटाफट आके हलवा बन जाएगा, क्योंकि शाम को मैं शिवरात्रि के दिन सिर्फ मीठा खाती हूँ, हलवा खाती हूँ, क्योंकि नमकीन वगैरह कुछ नहीं खाती। नमकीन मतलब कोई स्नैक्स हुआ या फिर कुछ जो आलू वगैरह तल के खाते हैं वो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। शाम के टाइम सिर्फ हम लोग मीठा गाजर का हलवा ही लेते हैं और कुछ नहीं। तो हलवा मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है और इसको जल्दी जल्दी बना के मंदिर में प्रसाद का भोग लगा के आएंगे और उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे। तो आज का मेरा खाना होगा यही हलवा सिर्फ, और इनके लिए मैं बनाऊंगी गोभी और मटर की सब्ज़ी, फटाफट से बन के तैयार हो जाएगी जो, और हलवा भी मेरा लगभग बनने वाला है तो मैं इसको बनाती हूँ अच्छे तरीके से। ये 1 किलो गाजर है, मैंने इसके अंदर आधे किलो दूध डाल के इसको पका लिया है और पकने के बाद मैं इसके अंदर चीनी डालूँगी। ये 1.5 चम्मच देसी घी है और इसके अंदर अपने जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं उन सबको ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची कुटी हुई, और उसके बाद सारे अपने जो ड्राई फ्रूट्स आपको ऐड करने हैं वो सब ऐड करके हम हलवे में ऐड कर देंगे। मैंने बहुत जगह देखा है कि शिवरात्रि के दिन रात को मतलब वैसा खाना बनाते हैं, पूड़ी वगैरह, और ऐसा खाना बनाते हैं जिसमें लाल मिर्च भी डालते हैं, और जिस तरीके से हर जगह अलग अलग अपने अपने तरीके से खाना बनाया जाता है, खाया जाता है, लेकिन हम बहुत सिंपल तरीके से बस मैं हलवा बनाया है मैंने और इनके लिए अलग से सब्ज़ी बनाई है, और अभी इनको स्नैक्स के लिए वो दे ही दी थी मैंने टिक्कियाँ, और अभी बस हलवा बनने ही वाला है। तो ये लीजिए हमारा प्रसाद बन के है तैयार और मैं भी हो गई हूँ रेडी मंदिर जाने के लिए। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल दी एंड, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। शिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।